कैथल में कोरोना वायरस के दो मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कैथल के पूर्व विधायक रणदीप सुरजेवाला अपने इलाके की मदद के लिए आगे आए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कैथल के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों में सैनिटाइजर बांटने का काम शुरू किया है। 200 मिलीलीटर मात्रा की 15,000 बोतलें कैथल में बंटवाई जा रही हैं। इससे पहले रणदीप सुरजेवाला चार्ली टोर्नाडो एरो ब्लास्टिंग मशीन द्वारा कैथल शहर को सैनिटाइज करने का काम भी कर चुके हैं। कैथल के गांवों में भी सैनिटाइज करने की दवा भिजवाई गई है। कांग्रेस नेता सुदीप सुरजेवाला ने इसकी जानकारी पत्रकारों को दी। आइए सुनते हैं। सबसे ज्यादा आपस में दूरी बनाए रखने का और स्वच्छ रहने का जो ये सरकार का संदेश है या जो WHO की तरफ से डॉक्टरों की तरफ से संदेश है, इसमें सबसे जरूरी चीज है हाइड्रोक्लोरिक सोडियम का स्प्रे और आप अपने आप को स्वच्छ और सैनिटाइज रखना। हमारा हल्का इलाका बहुत बड़ा है, शहर बहुत बड़ा है, जिसमें खास तौर पे आउटर में और अंदर के कुछ एरियों में ऐसे साथी हैं, गरीब साथी हैं जो सैनिटाइजर खरीदने में सक्षम नहीं है, क्योंकि पिछले 20-22 दिन से जो लॉकडाउन हुआ है सारे साथियों को बहुत प्रकार की दिक्कत है। तो शहर के सभी कांग्रेस के साथियों ने और गांव के साथियों ने भाई साहब से ये सलाह की कि क्यों ना हम सैनिटाइजर बनवा के कहीं से अवेलेबल करवा के अपने गरीब साथियों में और सारे शहर में बंटवाएं। तो उसका हमने कहीं फैक्ट्री से प्रबंध किया, 15,000 के करीब हमें बोतलें मिल पाई हैं सैनिटाइजर की। आज से हमने अपने सभी कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता और अन्य जो MC साथी हैं उनकी ड्यूटी लगाई है कि अपने अपने वार्ड में घर घर जाकर जिन्हें दो बोतलों की आवश्यकता है दो दें, एक की हो एक की दें, ताकि वे स्वच्छ रहे और इस बीमारी से हमारा शहर बचा रहे, हमारा देश बचा रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर। रणदीप सुरजेवाला की इस पहल के बारे में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।